मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से लगता राजस्थान व झालावाड़ जिले से लगता डग क्षेत्र, इस इलाके में कुछ क्षेत्र कंजर जाति के हैं। इनका मुख्य धंधा चोरी से जुड़ा होने के कारण ये लोग एमपी से लगे गांव में या आसपास के क्षेत्र में चोरी व अवैध वारदात को अंजाम देते रहे हैं और आए दिन इस प्रकार की घटना करते रहते हैं। मुखबिर से सूचना मिली कि शामगढ़ क्षेत्र में राजस्थान से कुछ कंजर लोग बाइक से कच्ची शराब लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और दो बाइक सवार को पकड़ लिया और उनकी बाइक पर 50-50 लीटर की दो कैने शराब की थी। पूछताछ में उन्होंने मुकेश कंजर निवासी चोरपिलैया गांव और जबकि दूसरे ने राकेश पिताहरिया कंजर निवासी चोरपिलैया थाना डग राजस्थान बताया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने मेलखेड़ा गांव से बलेरो जीप की चोरी को स्वीकारा। खाईखेड़ा गांव में मेसी ट्रैक्टर और शामगढ़ में बैंक के सामने से बाइक और सालरिया गांव से कुछ सामान की चोरी को स्वीकारा। कुल मिलाकर 11 लाख का सामान चुराना स्वीकार किया है। इनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके पास से सभी वाहन बरामद कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी खुलासा हो सकता है। से एक बोलेरो और ट्रैक्टर चोरी चले गए थे कुछ दिनों पहले, तो हम लोगों को कंजर गैंग के बारे में सूचनाएं मिली थी कि वो यहाँ पर आकर वारदात कर रहे हैं। इसमें हमने घेराबंदी की तो आज कल दो कंजर मिले थे जिससे करीब 60 लीटर उनकी मोटरसाइकिल पर शराब भी बंधी हुई थी केन में। उसको जब्त किया तो उनसे जब पूछताछ की तो उनके द्वारा चोरी करना हमारे थाना क्षेत्र में कबूल किया है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे एसपी साहब और एडिशनल साहब और हमारे एसडीपी साहब के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने कार्रवाई की है। इसमें हमने एक बोलेरो गाड़ी जो आप देख रहे हैं खड़ी है, बोलेरो, एक ट्रैक्टर है मेसी, एक मोटरसाइकिल डिस्कवर, ये जब्त की है। और इनके साथ ही कुछ फरार हैं जो अन्य वारदातों के विषय में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य वारदातें भी खुलासा हो सकती है।